अस्सलाम वालेकुम साथियों, बेटी ये अफगानी पुलाव बनाने लगी थी तो हमें पूछने के लिए आई कि कितना कितना क्या क्या डालना है, क्योंकि हम इसकी रेशो थोड़ी सी डिफरेंट रखते हैं। तो हमने सोचा कि हम कैमरा क्यों ना उठा लाएं कि हमारे साथी भी इसको देख सकें। तो ये एक किलो तकरीबन गोश्त होगा, एक किलो सवा किलो, और बहुत अभी थॉ नहीं हुआ हुआ तो डाइस्ड है, और एक पूरे टुकड़े को पीसेस में काटा हुआ है। ऐसे भी आप इसको चढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब आप खोलेंगे तो ये खुद ही अलग अलग हुआ होगा। इसमें हमने 2 मीडियम साइज के अनियंस डाल लेने हैं, तो बहुत ज़्यादा नफासत से काटने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इन्होंने गल ही जाना है। बाकी चीज़ें तो चावल देख के हम रह नहीं सकते, फौरन से ही मुंह में डाल लेते हैं, तो अमूमन हम भूल जाते हैं कि हमने बोलना होगा और हमारे मुंह में कच्चे चावल होते हैं, हमें कच्चे चावल बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये रही अदरक, इतनी हमने जिंजर डालनी है इसमें, ये देखें, और ये बाकी लहसुन है, तो कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और मसाला जात में 1.5 टीस्पून सॉल्ट है, और एक उंगली जितनी सिनेमन है दारचीनी, 1/2 टीस्पून फुल हमने होल ब्लैक पेपर का लिया है, 12 हमने क्लोव्स ली हैं, काली मिर्च और लौंग, और बड़ी इलायची ली है हमने 3, और 1 टीस्पून फुल चोटी लगा के हमने कोरिएंडर पाउडर का लिया है जो हमने इसमें डाल देना है। पानी हमने इसमें ज़्यादा नहीं डालना, अगर हम पानी ज़्यादा डाल देंगे तो गोश्त टेस्टलेस हो जाएगा। और इसमें बोन्स भी डाला करते हैं जो हमने आज नहीं डाली हैं। तो यूं ही हम एक आम घर में तैयार करने वाला जो है खाना वो बनाने लगे हैं, जिसे बच्चों के लिए तैयार करना होता है तो अच्छा बन जाता है। तो एक तरह से यूं समझें कि ये क्विक अफगानी पुलाव है। खैर, असल तो इसको अफगान ही बना सकते हैं, लेकिन बहुत हद तक ये वही टेस्ट रखता है करीब करीब। ये बाबा आदम के ज़माने की गाजरें हैं जो उग रही हैं। हम बिल्कुल पसंद नहीं करते कि हमारे फ्रिज में गाजरें रखी जाएं। तो कैरेट्स जो हैं उनको पील कर लेना है, तो इस तरह पर ये हमने काट लिया है। अम्मा, यू आर रोनिंग माय वाइब्स। या आई नो। तो इस तरह पर ये हमने काट लेनी है गाजरें। तो ये हमने कैरेट्स तलनी है, उसके लिए वेजिटेबल ऑयल डाला है। तो कैरेट्स जो हैं करीबन हो ही गए हैं, बाकी ये क्योंकि दम में भी हो जाएंगी, तो ये है किशमिश जो भिगोई हुई है, इसको छान लेना है, ड्रेन हो जाए। तो अब जो है ये इसमें किशमिश डाल देनी है। तो ये फूल जाएगी, देखा आपने, सारी फूल फूल के ऊपर आने लगी। तो ये जल्दी ही हो जाती है, तो जल ना जाए। दरमियानी आंच रखी हुई है, वैसे तो वॉक बर्नर है। अब ये बिल्कुल रेडी है, बस अब आपने इसको निकाल लेना है। एवान, गिर सकते हैं सोना? अब ये ऑयल जो है ये थोड़ा कम कर लेना है। तो प्रेशर कुकर खोलते हैं, उसमें से पानी निकालना है, अभी नाप के डालना है और इसको देखते हैं। तो हमने, अगर इसमें हमें पानी ज्यादा लगा तो हमने इसका पानी सुखाना है, तो हमने इसमें से थोड़ी यखनी निकालनी है। अभी हम बाद में डालेंगे। तो ये एक कप, देखा कितनी नफीस यखनी है, ये हमने डालनी होगी चावलों में। ये सेला राइस है, बेटी ने भिगोए हुए हैं 2-3 घंटे से। कितने हैं? 4 कप हैं ये, 4 कप्स। ये गई इसमें 1 कप यखनी, और ये गई 1.5 कप। तो 4 कप है, हमने इसमें 5 कप पानी डाल दें। ये हुए 2, ये 3 और 4,
ये गए 5 हो गया, एडवांस हो गया। नहीं, अब ग्रेवी नहीं करनी, जब हम कल करेंगे दोबारा। और एक चम्मच और ये 2 चम्मच हमने इसमें सॉल्ट डाल देना, 4 कप में। आजकल 4 कप में वैसे बनाओ अगर पुलाव जिसमें पहले कोई नमक ना हो तो 2.5 चम्मच हमें डालना पड़ रहा है, तो नमक आजकल का फीका है। इसको हम ऑन करते हैं, अब आते हैं गोश्त की तरफ। तो जब तक इनका पानी ड्राई होगा हमने गोश्त तैयार करना है। तो हमने ये इसलिए किया है कि हम चाहते हैं गोश्त में जायका रहे, पुलाव में भी हो, चावलों में भी हो, और गोश्त भी सिर्फ उबलावाना हो, क्योंकि हम आदि हैं, जो हमारे टेस्ट के मुताबिक है हमने इसको वैसा बनाया है। तो एक तरह से ये क्विक अफगानी पुलाव है, यूँ समझे। स्टेप्स तो वही हैं कि किशमिश तली है, जूलियन कट कैरेट है जो तली है, और सेला से बनाया है। अब हमने शुगर जो है उसको इस ऑयल में बनाना है, 1 and 2, 2.5 काफी है। और आंच जो है ऑन करती, तो ये शुगर जो है इसमें मेल्ट हो जाएगी और कैरामलाइज्ड हो जाएगी। देखा आपने कैसे इसने शक्ल बदली, देखा आपने, गोल्डन हो गई। अब हमने इसमें पानी डालना है, देखें शीरे वाला ऑयल जो है वो तैयार हुआ है। अब उसमें ये ठंडा हो गया है काफ़ी, क्योंकि छींटे उड़े तो हम पीछे हो गए थे। और गोश्त आपको दिखाएं, ये देखें करीबन ये ड्राई हो गया है। और चावल देखें, ये देखें, इसको हिला देते हैं। इस स्टेज पर अभी क्योंकि ये दम पे नहीं गया है तो हमने इसमें ये शीरा और ऑयल डाल देना है, हिला देना है। इसकी खुशबू जो है सारों में रच बस जाएगी। तो हिलाने से इनको बिल्कुल नहीं डरते हम, इसलिए कि ये सेला है, टूटता भी नहीं, मोतियों की तरह होता है ये चावल। देंगे यहाँ तक कि ये दम पे आए। ये देखें ना, ये है गोश्त जो हमने उसमें डालना है। तो आप चाहें तो बड़े बड़े पार्चे गोश्त के जो हैं वो यूँ तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपने जो पानी थोड़ा बहुत यखनी इसमें बची हुई थी वो इसमें ड्राई कर देना है ताकि उसमें जायका रहे। तो ये अब खोलते हैं, देखते हैं चावल बीच में से, ये जो है अब आपने गोश्त डाल दिया और इसको चावलों से कवर कर देना है। तो ये बागी बोटी और इसमें एक तरफ नीचे और ये डालना है इसके ऊपर। थोड़ा सा और बाकी हमने डालना है एक तरफ। ताकि जिसने प्लेट में ज्यादा डालना हो वो डाल ले, और वैसे भी आंख भी इसको खूबसूरत दिखे। दम तो आए हैं, अब ये दम हो चुका है, इसको खोल कर देखते हैं। ये देखें, प्लेट में निकालते हैं, बड़े दिनों से हमारा दिल है कि कुछ शॉपिंग करें ऑनलाइन लेकिन वक्त ही नहीं मिलता है। तो ये जो है हमारा अफगानी पुलाव बिल्कुल तैयार है।
तो ये है हमारी रेसिपी, आसान ही है बनाना, मज़ेदार बनता है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। खुदा करे कि ये आपको पसंद आए और आपका बहुत अच्छा तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।